रामायण में एक और प्रसंग आता है और वो प्रसंग भी कर्मों की गहन गति का। हम जो बोते हैं वही उगता। अगर आम बोते हैं तो आम उगता है, इसी तरह से हम प्रेम बोते हैं तो प्रेम उगता है, ईर्ष्या बोते हैं तो ईर्ष्या उगती, हिंसा बोते हैं तो हिंसा उगती। लेकिन ये कर्म गति गहन इसलिए बन जाती है कि हमने हिंसा बोई थी 20 साल पहले और वो उगी 20 साल के बाद, तो हम भूल गए। इसका बहुत सुंदर उदाहरण राजा दशरथ के जीवन में दिखाया है। राजा दशरथ शिकार खेलते, अब शिकार खेलना, हिंसा करना, ये तो पाप कर्म है ना। कोई व्यक्ति अगर किसी जानवर को पेट भरने के लिए मारेगा तो एक कोई मारे, लेकिन जब वो शिकार खेलता है तब तो कोई लिमिट ही नहीं, और जब जानवर तड़पता है तो वो अपने आप को बहादुर मानता है। वो समझता है कि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया। और फिर जो व्यक्ति हिंसा करता है तो हिंसा करने का संस्कार बन जाता है, और वो संस्कार जानवर के बाद कब मनुष्य के ऊपर प्ले हो जाए मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे में राजा दशरथ का भी वो संस्कार जानवर के बहाने स्वर्ण कुमार के ऊपर प्ले हो गया। उसने तीर चलाया तो था जानवर के लिए, लेकिन तीर तो तीर अपना काम करके लौटेगा, और जिसके हाथ से चल गया उसी के नाम चलाने का खाता लिखा जाए। अब राजा दशरथ कहते हैं मैंने जानबूझ के नहीं मारा, लेकिन कर्म हो तो गए, अनजाने में हुआ तो भी हो तो गए। किसी ने अनजाने में केला खा के छिलका फेंका, कहता है मुझे थोड़े पता था इस पे कोई गिर के उसका पांव फ्रैक्चर हो जाएगा। अब वो तो छिलका फेंक के चला गया, पीछे से कोई बुजुर्ग आया बेचारा फिसल गया फ्रैक्चर हो गया, किसके खाते में जाएगा। अब देखने में तो किसी ने पांव पे प्रहार किया नहीं, लेकिन फिर भी जो निमित्त कारण बना वो किसके कारण बना। तो अनजाने में किए गए कर्म का भी फल निकलता। अब राजा दशरथ ने तीर चलाया, स्वर्ण कुमार की हत्या हो गई और स्वर्ण कुमार तड़फा, तो राजा दशरथ ने क्या बोई, तड़फ बोई, तड़फ बोएंगे तो तड़फ उगे, शांति बोएंगे तो शांति उगे। अब तड़फ होकर के और केवल स्वर्ण कुमार नहीं, उसके दो माता वो भी उसके साथ दुखी और उनके भी प्राण पखेरु हो गए, अर्थात तीर की हत्या करके वो अपनी राजधानी में लौटा। और देखिए ड्रामा, ड्रामा की भावी, जैसे ही वो राजधानी में गया उसको चार पुत्र जन्म गए। अब लोगों के मन में क्या, क्योंकि हमारा जो सोचने का तरीका वो कैसा है, धन के हिसाब से हर बात को सोचता। आज आपने बैंक में डाला तो अगले
अगले महीने आप निकालेंगे या साल बाद निकालेंगे या 5 साल बाद निकालेंगे तो ब्याज सहित आपको धन मिलेगा। तो हम क्या सोचते हैं कि राजा जनक ने 3 को मारा और उसको 4 बेटे मिल गए। अरे भगवान का ये कैसा न्याय, यहाँ तो मारने वालों को तो बेटे मिलते हैं और हम पुण्य कर करके थक गए, हमारे घर में तो बेटियां पैदा हो गई। लेकिन ये जो 4 पुत्र हैं ये पिछले जन्म के पुण्य का फल है। पिछले जन्म में उसने तपस्या की थी कि भगवान मेरे घर पुत्र रूप में जन्म ले। इतने लंबे समय के बाद उसका फल निकला है और अभी जो हो के आया है इसका फल तो अभी निकले, अभी तो ये बोया है पूरी होगा, इसके तो पत्ते निकलेंगे, फिर धीरे धीरे तना बड़ा होगा, डाली बड़ी होगी और उसके बाद फिर फूल लगेंगे, फिर फल लगेंगे, अभी तो लंबे अंतराल के बाद फल निकले। और ये लंबा अंतराल ड्रामा में क्यों है? ये लंबा अंतराल इसलिए है कि व्यक्ति कुछ बीच में पुण्य करना चाहे तो कर ले ताकि उसका सूली से कांटा हो जाए। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, बीज बो करके और विस्मृत कर देता है। तो राजा दशरथ के साथ भी ऐसा ही हुआ, खुशी में उसने सब कुछ विस्मृत कर दिया, बच्चे जन्मे, बच्चों की पढ़ाई हुई, बच्चों की शादी हुई, 4 राजकुमारियां आ गई, अयोध्या में तो आनंद ही आनंद। और उस आनंद में कहीं भी राजा दशरथ को अपने कर्म का एहसास है ही, लेकिन कर्म अपने तरीके से फल फूल रहा है। मान लीजिए हम बैंक में पैसा डालते और भूल जाए, ब्याज लगना बंद तो नहीं होगा, और अगर किसी से उधार ले और भूल जाए तो भी ब्याज लगना बंद तो नहीं हो। इसी तरह से अच्छा कर्म करके भूल गए तो भी वो फलता फूलता है और बुरा कर्म करके बेशक भूल जाए तो भी वो फलता फूलता। तो ये कर्म फलता फूलता रहा और जब ये पूरी तरह से फल गया और फल पक गया, वो घड़ी आई जब श्री राम के राज तिलक की बारी आई। और जब राज तिलक की चर्चा हुई और केकई के कानों में ये समाचार पहुंचा तो उसने उसी मौके पर राजा दशरथ को कहा कि मुझे अपने वर चाहिए, भरत राजगद्दी पर बैठेगा और श्री राम वनवास जाएंगे। जैसे ही दशरथ जी ने सुना श्री राम का वनवास तो वो कैसे तड़फे, जैसे स्वर्ण कुमार को तीर लगा था तो स्वर्ण कुमार तड़फा। क्या हुई थी तड़फ, हुई थी क्या होगी तड़फ, कितने वर्षों के बाद होगी वो तो भूल भी गया होगा, लेकिन फलने के बाद ही तो फल हमारी झोली में आएगा है, पकने के बाद। और ये भी कर्म की गहन गति है कि उस फल को करने वाला ही खाए, घर में कितने भी सदस्य हो, शारीरिक कष्ट आता तो व्यक्ति अकेला होता, घर में कितने भी सदस्य हो, बंटवारे से कोई मुकदमा आता व्यक्ति अकेला होता, कोई नहीं बंटवा सकता, तो घर में तो बहुत सदस्य हैं, उसकी 3 रानियां हैं, 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र वधु, इतना बड़ा राज्य, मंत्री संतरी नौकर चाकर, लेकिन उस दर्द तड़फ को कोई बंटवा सकता है? अकेला तड़फ।
और फिर इधर श्रवण कुमार को एक को तीर लगा। माता पिता को दोनों उसके मोहवश चले गए और इधर वनवास केवल श्री राम को मिला, लेकिन लक्ष्मण और सीता को मोहवश उसके साथ चले। तो इधर भी तीन और इधर भी तीन, हिसाब बराबर हो गया। भक्ति मार्ग में लोग कहते ही हैं कि राम भगवान है, श्री राम भी भगवान के अवतार हैं, श्री कृष्ण भी भगवान के अवतार, और दिखाते हैं कि श्री राम जब विश्वामित्र के आश्रम में थे तो जनकपुरी जाते समय रास्ते में पत्थर बनी अहिल्या मिली, उसको पांव से छुआ तो वो नारी बन गई, अर्थात उनमें चमत्कारिक शक्ति थी। और वही श्री राम अपने पिता को तड़पने से नहीं बचा सके और पिता को अकाल मृत्यु से भी नहीं बचा सके। इसलिए रामायण कहती है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सुतस फल चाखा, को ना का होगा सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, अपने किए हुए कर्मों के भोग सामने।